लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ग्रेटर नोएडा से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसा है रावण का गांव बिसरख। यहां न रामलीला होती है न रावण दहन। यहां के निवासी रावण को राक्षस नहीं बल्कि इस गांव का बेटा मानते हैं। मंदिर के पुजारी और महंत ने रावण से जुड़े कुछ फैक्ट्स उजागर किए। गंगा दशहरा पर जानिए इसी अनूठे गाँव का इतिहास। माइथोलॉजी के मुताबिक बिसरख गांव रावण का पैतृक गांव है। यही राक्षस राज का जन्म हुआ था। बिसरख में बने रावण मंदिर के पंडित बताते हैं, रावण के पिता विश्रव ब्राह्मण थे। उन्होंने राक्षसी राजकुमारी कैक्सी से शादी कर इंटरकास्ट मैरिज की मिसाल रखी थी। रावण के अलावा कुंभकर्ण, सूर्पणखा और विभीषण का जन्म भी इसी गांव में हुआ। जब पूरा देश अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में रावण के पुतले का दहन करता है, तब इस गांव में मातम का माहौल होता है। बिसरख गांव के लोग न रामलीला आयोजित करते हैं और न कभी रावण का दहन करते हैं, बल्कि दशहरा पर यहां शौक मनाया जाता है। इस परंपरा के पीछे गांव का इतिहास जुड़ा है। यहां दो बार रावण दहन किया गया, लेकिन दोनों ही बार रामलीला के दौरान किसी न किसी की मौत हुई। बिसरख में शिव मंदिर के पुजारी महंत रामदास का कहना है, 60 साल पहले इस गांव में पहली बार रामलीला का आयोजन किया गया था। रामलीला के बीच में जिस व्यक्ति के घर के कैंपस में आयोजन हुआ उसी का बेटा मर गया। कुछ समय बाद गांव वालों ने फिर से रामलीला रखी। इस बार उसमें हिस्सा लेने वाले एक पात्र की मौत हो गई। तब से ही यहां दशहरा पर रावण का पुतला नहीं जलता न रामलीला होती है। यहां रावण की आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ हवन किए जाते हैं, साथ ही नवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर बलि चढ़ाई जाती है। बिसरख गांव का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। कहा जाता है कि त्रेता युग में इस गांव में ऋषि विश्रव का जन्म हुआ था। उन्होंने यहां अष्टभुजी शिवलिंग की स्थापना की। यह पौराणिक काल की शिवलिंग बाहर से देखने में महज 2.5 फीट की है, लेकिन जमीन के नीचे इसकी लंबाई लगभग 8 फीट है। इस गांव में अब तक 25 शिवलिंग मिले हैं, जिनमें से एक की गहराई इतनी है कि खुदाई के बाद भी उसका कहीं छोर नहीं मिला है। मंदिर के महंत रामदास ने बताया कि खुदाई के दौरान त्रेता युग के नरकंकाल, बर्तन और मूर्तियां